ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंबू बॉर्डर से, जहां पर एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि गन से थोड़ी दूर तक ही टीयर गैस का इस्तेमाल होता है, उसका असर होता है। ऐसे में अब ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहां पर बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की थी, हरियाणा पुलिस ने रोका था, लेकिन जब किसान नहीं माने तो फिर ये आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। किसानों के दिल्ली कूच के समय फिर से हंगामा होता है। आप ये तस्वीर देख लीजिए, सुरक्षा पुख्ता है, पुलिस की मौजूदगी है, RAF की मौजूदगी है, इसके अलावा प्रशासनिक टीमें भी मौके पर मौजूद है, तो सख्त पहरा है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है, धारा 144 लागू है, लेकिन बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि किसान जो कि 6 महीने का राशन लेकर के निकले हैं, बोल रहे हैं कि उनकी मांगे नहीं मानी गई, उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, साथ में वो लकड़ियां लेकर के भी आए हैं, सूखा अनाज लेकर के भी आए हैं, तो लंबी तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन सरकार का कहना यह है कि बातचीत के जरिए समाधान होगा, किसानों को ये सोचना चाहिए। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, हंगामा करने वालों पर एक्शन होता है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए गए हैं, और ड्रोन से टीयर गैस का इस्तेमाल करने का मतलब यह होता है कि असर दूर तक हो, जो एरिया है वो ज्यादा कवर हो। फिर जब जितनी देर तक असर होता है, किसान हमने देखा कि थोड़ी दूर आगे भागते हैं, फिर जैसे ही असर कम होता है फिर से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल होता है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए कि ये ट्रैक्टर्स लेकर के आए हैं, लेकिन इसमें नुकीले तार भी है, यानी कि यहाँ पर पुलिस से भिड़ने की तैयारी भी की गई है। जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी कि कुछ अराजक तत्व भी मौजूद है, इसी को लेकर के खास व्यवस्था की गई है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। हंगामा 20 मिनट के अंदर 2 बार होता है शंभू बॉर्डर पर, और हंगामा ऐसा कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, जिसके बाद जो आंदोलनकारी किसान हैं वो वहां से तितर बितर हुए हैं। तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया पर आप देख पा रहे हैं, शंभू बॉर्डर यानी कि पंजाब से हरियाणा में एंटर होने वाला बॉर्डर, और यहीं पर सबसे ज्यादा सख्त पहरा आप कह लीजिए, क्योंकि अगर दिल्ली में दाखिल होना है तो शंभू बॉर्डर को पार करना जरूरी है। किसान यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, पहले आंसू गैस के गोले दागे गए सामने से, और उसके बाद एक बार फिर जब हंगामा शुरू हुआ तो ड्रोन की मदद से दूर तक जाकर वहां आंसू गैस के गोले दागे गए हैं इन किसानों के ऊपर। हालांकि किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे होंगे कि कपड़े को भिगोकर वो उससे अपने आप को पोंछते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां किसान नेता भी एकजुट हैं, जो उन्हें बार बार संबोधित कर रहे हैं, किसानों को एकजुट कर रहे हैं, और लगातार दिल्ली कूच का जो उनकी तरफ से आह्वान किया गया है कि दिल्ली जाकर ही रहेंगे, उसे लेकर ही तमाम किसानों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। बार बार हंगामा वहां हो रहा है, आंसू गैस के गोले दागने की स्थिति क्योंकि यहाँ शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कुछ किसानों ने उसे हटाने की कोशिश की, पुलिस की तरफ से रोका गया, जब वो रुके नहीं तो यहाँ आंसू गैस के गोले दागे गए। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे गए। कल ही मॉक ड्रिल जो है वो कर ली गई थी बॉर्डर इलाकों में, कि यहाँ से किसान अगर जब अंदर घुसेंगे, हंगामा अगर होता है, टकराव की स्थिति अगर बनती है, तो कैसे उन्हें कंट्रोल करना है, कैसे भीड़ को तितर बितर करना है, तो इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले ड्रोन की मदद से दागे गए। ये दो तस्वीरें आपको इस वक्त हम शंभू बॉर्डर से ही दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। हंगामा करने वाले किसानों पर एक्शन हो रहा है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से ही टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ है, किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर पर ये हुआ है, 2 बार हंगामा होता है 20 मिनट के अंदर, यानी कि जब पहली बार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल होता है उसके बाद कुछ देर तक असर होता है, लेकिन फिर से किसान बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल होता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए, क्योंकि ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे इसलिए जा रहे हैं ताकि असर दूर तक हो। काफी तादाद में किसान हैं, ट्रैक्टर्स हैं, पूरा राशन लेकर के आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं। हालांकि जब किसान आंदोलन पिछली बार रहा था तब कृषि कानूनों का मुद्दा था, इस बार किसानों की मांगे अलग हैं, लेकिन फिर भी स्थिति वही बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पहले से पुलिस ने तैयारी की है, पिछली बार जो तस्वीर निकल करके सामने आई थी उसी को दिमाग में रख के इस बार पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, और कई इलाकों में तो इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। लेकिन ये आज की सबसे अहम तस्वीर, ड्रोन के जरिए टीयर गैस का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। संदेश भी देने की कोशिश की गई है शासन प्रशासन की तरफ से कि बातचीत एक जरिया है, क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी होती है। अब आप ये समझिए कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर इतना लंबा जैम लगा हुआ है, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को पहुँचना है, किसी को इलाज की ज़रूरत है, किसी को अपने से मिलना है, तो फिर उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे में आम लोगों को परेशानी ना हो, किसी भी तरह से व्यवस्था ना बिगड़े,
कानून को हाथ में ना ले किसान, इसको लेकर की तैयारी की गई है। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देख लीजिए, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए हैं।